हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 10th जनवरी 23। सो करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे हर एक दिन पे आपको एक लीगल मैगजीन सीखने को मिल सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर के क्विज भी जो है वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से। सो महाराष्ट्र में जो ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो बन गया है महाराष्ट्र का पहला ई कोर्ट, और इस सिस्टम के अंदर सारा कोर्ट रिलेटेड वर्क, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइलिंग से लेकर के पेमेंट तक एंड दूसरे कोर्ट सर्विसेज तक, सारा जो पेमेंट मेथड है, सारे जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, सब का सब जो है वो ऑनलाइन मोड के जरिए होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कोर्ट का लाइब्रेरी है वो भी डिजिटल मोड में कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, नेशन सेलिब्रेट करने वाला है 17 प्रवासी भारतीय दिवस ऑन 9th जनवरी 23। ये दिवस को NRID भी बोला जाता है, जो फॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 9th जनवरी को। ये सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज उसी दिन महात्मा गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से मुंबई रिटर्न हुए थे। इसीलिए जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ है, उसी डे को अक्नॉलेज करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ ये दिन जो है NRI डे भी जाना जाता है, दैट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। ये साल का ऑफिशियल थीम था दिस फोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट न्यूज है, केरला बन गया है फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इंडिया का। जो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, उन्होंने प्रोक्लेम किया है कि केरला बन गया है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो डिजिटल हो गया है अपनी सारी बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड 7 जनवरी 23। उन्होंने ये भी बोला है कि ये डिस्टिंक्शन बेनिफिट करने वाला है स्टेट की इकोनॉमी को, एंड यहाँ पे जो इवेंट हुआ था वो माना गया है कि काफी ज्यादा सोशल इंटरवेंशंस थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ही मदद से ये चीज हो पाई है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट न्यूज है, अनहत सिंह, एक इंडियन एथलीट, ने जीत लिया है अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वाश टाइटल। नेक्स्ट न्यूज है, RBI इशू करने वाली है सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ ₹1600 करोड़। सो ये ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या है? यूजुअली ये एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो बनाए जाते हैं इको फ्रेंडली काम के लिए। तो ये एक सोवेरियन अथॉरिटी या तो एक इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी के द्वारा जो है इशू किए जाते हैं, कुछ कोऑपरेशन स्पेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसका मेन इंटेंशन होता है कि जो बॉन्ड प्रॉफिट्स है वो इस्तेमाल किए जा सके इकोलॉजिकली फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए। जनवरी 6, 23 को RBI ने अनाउंस किया कि ये सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ ₹16,000 करोड़ दो ट्रांचेस में उसको बेचने वाली है ऑफ ₹8,000 करोड़ ईच। ऑक्शन होने वाला है 25 जनवरी एंड 9 फरवरी को, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए। आ जाते हैं डेली करंट अफेयर क्विज पे। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 23 को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टार्टअप बिल्ड किया है आजादी सैट सैटेलाइट, जो बनाया गया था 750 स्कूल गर्ल्स के द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है आधार लाइक प्लेटफॉर्म फॉर 9 कंट्रीज, जिनको मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म भी बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ? सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली करंट अफेयर क्विज एंड रेगुलर 5 इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर वीडियोस। बी एडुकेयर एज एन एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द आंसर्स ऑफ दिस क्विजेस इन द कमेंट बॉक्स बिलो।